इस वीडियो में हम संख्याओं के स्थान मूल्य के बारे में जानेंगे। माँ आप क्या कर रही हो? मैं खाना बनाने के लिए डंडियाँ इकट्ठा कर रही हूँ। क्या मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ? हाँ जरूर, लेकिन तुम्हें 10 डंडियाँ गिनते ही उन्हें एक साथ बांधना होगा, इस तरह। ऐसा क्यों माँ? याद है मैंने तुम्हें समझाया था कि किसी भी 10 वस्तुओं के समूह को हम दहाई कहते हैं और खुली वस्तुओं की संख्या को हम इकाई कहते हैं। हर संख्या के प्रत्येक अंक का अपना एक स्थान होता है जिसे हम स्थान मूल्य कहते हैं। बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि किसी भी 2 अंक की संख्या में इकाई का स्थान और दहाई का स्थान कहाँ होता है? सही जवाब, इकाई का स्थान दाईं तरफ और दहाई का स्थान बाईं तरफ होता है। माँ मुझे भी याद है कि इकाई वाले स्थान में हमेशा 9 तक की संख्या लिखते हैं और जब वह संख्या 9 से ज्यादा हो जाती है उसके 10 का बंडल बना देते हैं और उसे दहाई के स्थान में लिखते हैं। बिल्कुल सही। देखो मेरे पास अगर 10 की 4 बंडल है और 6 खुली हुई डंडियां हैं तो मेरे पास 4 दहाई यानी 40 और 6 मतलब कुल 46 डंडियां हैं। यहाँ 6 बंडल और 5 खुली डंडियां रखी है मतलब 6 दहाई और 5 इकाई यानी 65 डंडियां हैं। बिल्कुल सही गैफी। गैफी अगर इसी बात को मैं ऐसे पूछूं कि अगर हमारे पास कुल 72 डंडियां हैं तो कितनी दहाई और कितनी इकाई होगी? 7 दहाई और 2 इकाई। बहुत बढ़िया गैफी। और अगर हमारे पास 66 डंडियां हो तो? मतलब 7 और 6 यानी 6 दहाई और 6 इकाई। सही जवाब। बच्चों अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों के खाली डिब्बों में अंक लिखने की। सही उत्तर पता करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। बच्चों इस वीडियो में हमने 10 से 80 संख्याओं के स्थान मूल्य के बारे में सीखा।